आई एम डॉक्टर आई एम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आपके बच्चों की हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मसला कोई भी डिजीज़ उसके बारे में डिस्कस करूँगी सबसे कॉमनली आज क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है मेरे क्लिनिक पे मेरे पेज पे कि जी बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही या ग्रोथ से मतलब क्या है क्योंकि बहुत से लोगों को तो अभी ग्रोथ डेवलपमेंट में जो फैक्टर्स आते हैं वो कम्प्लीटली पता भी नहीं होते तो यहाँ मैं थोड़ी सी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दूँगी कि वट इज़ मीन बाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ में हम टू फैक्टर्स देखते हैं जिसमें नंबर वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेट एंड नंबर टू इज़ हाइट अब बहुत से लोग इस चीज़ से तो घबरा रहे होते हैं कि बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा होता लेकिन दूसरा बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे होते हैं अबाउट हाइट अब बच्चे का वेट उसकी एज के अकॉर्डिंगली कितना होना चाहिए ये हम हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है तो आप बहुत से एक आप अगर आ, गूगल भी करें तो आपको बहुत से चार्ट्स मिल जाते हैं आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं वो चार्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें बताया जाता है कि अगर बच्चा सपोज़ एक साल का है तो उसका वेट एट द एज ऑफ वन ईयर क्या होना चाहिए और सपोज जिस 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 एज पे बच्चा है कि उसके अकॉर्डिंगली वेट क्या होना चाहिए तो वेट को मैं ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ वेट पे कि अगर वेट बच्चे का गेन नहीं हो रहा तो वेट का मतलब गेन नहीं होने का मतलब बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही बच्चा अपने माइलस्टोन जैसे कि बच्चा माइलस्टोन में जैसे आता है चलना बैठना दांत निकालना ये सब चीज़ें अपनी एज के मुताबिक अचीव नहीं करेगा और इसके साथ साथ वो मेंटली उसकी जो एज होती है वो ग्रो नहीं कर रही होती मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रही होती अगर आपको लगे कहीं भी किसी भी स्टेज पे कि जी हमारा बच्चा उतना हेल्दी नहीं है जितना उसकी एज फेलोज हेल्दी हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मस्ट कंसल्ट करें अपने डॉक्टर को ताकि उसी वक्त उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए कि कोई ऐसी डिजीज़ कोई ऐसा फैक्टर जो उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन करा रहा है ग्रोथ नहीं होने दे रहा उसको आप मॉनिटर कर सकें और इसी तरह दूसरा पैरामीटर हाइट हाइट को हम ओवर द सिक्स मंथ मॉनिटर करते हैं मंथली हाइट प्लीज़ मत देखें क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं जो परेशान हुए होते हैं कि जी एक महीने पहले बच्चे की हाइट ये थी तो महीने बाद बढ़ी नहीं तो महीने महीने में हमने हाइट नहीं मोनीटर करनी वेट ज़रूर मोनीटर कर सकते हैं लेकिन हाइट ओवर द सिक्स मंथ्स ऑफ पीरियड हम मोनीटर करते हैं और फिर हम एक ग्रोथ चार्ट बनाते हैं आपको प्रोवाइड करते हैं उस पर हम उसको ड्रॉ करते हैं कि अगर लास्ट सिक्स मंथ्स में बच्चे की ग्रोथ इतनी बड़ी है तो हम उसको ड्रॉ करते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू एज बच्चे की हाइट उसकी ग्रो कर रही है या नहीं क्योंकि और हाइट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो उन बच्चों में होता है जिनमें पोबर्टी स्टार्ट होनी होती है एट द एज ऑफ ट्वेल्व ईयर्स और ट्वेल्व टू फोर्टीन ईयर्स उसमें क्योंकि उस एज में बच्चे के हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चे की पुबर्टी एज आती है और साथ में उसको हम एक चीज़ कहते हैं एक लफ्स कहते हैं जिसे ग्रोथ पर कहते हैं यानी एकदम बच्चा हाइट निकालता है आपने देखा होता है एक बार दफ़ा बच्चे आपकी फ़ैमिली में इवन आपके छोटे बहन भाई पहले एक नॉर्मल सी एज पे हो रहे होते तो एकदम आप देखते हैं जैसे उनकी एज बारह तेरह चौदह साल के करीब आती है तो एकदम लंबे हो जाते हैं तो उसके उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है अब इसके लिए भी आ, मैं भी आपको कुछ चार्ट्स प्रोवाइड कर दूंगी अगर वरना आप इसको गूगल आउट करें तो आपको वो चार्ट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको हाइट वेट अकॉर्डिंग टू एज और इसको प्लीज़ प्लीज़ इसको मॉनिटर करें अपने बच्चों का जनरल चेकअप कराना इसलिए भी ज़रूरी होता है ज़रूरी नहीं कि कोई बीमारी हो तो हम उसको दिखाएँ हम इस चीज़ के लिए भी करते हैं कि क्या हमारा बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंगली ग्रो कर रहा है क्योंकि फिज़िकली ग्रोथ आप उसकी अगर देख रहे हैं तो फिज़िकली के साथ साथ उसकी मैंटल ग्रोथ भी फिजिकल पर डिपेंडेंट है अगर वो फिज़िकली ग्रो करेगा तो मैंटली ग्रो करेगा नेक्स्ट अब मैं दूसरी चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि वट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनमें बहुत से कॉमन जो फैक्टर्स uh, आते हैं जिस पे बच्चे की ग्रोथ डिपेंड कर रही होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर वन इज़ द फूड फूड अगर बच्चे की इनटेक उसकी ठीक है तो बच्चे का वेट भी बढ़ रहा है बच्चे की हाइट भी बढ़ रही है लेकिन अगर बच्चा कहीं पे भी क्योंकि बहुत से पेरेंट्स देख रहे होते हैं आते भी हैं कंसल्ट भी करते हैं कि जी बच्चा हमारा खाना नहीं खाता अब खाना ना खाने का मतलब है कि जब वो बच्चा का इनटेक ही नहीं है उसकी कैलरी इनटेक ही नहीं है तो वो जो बॉडी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल ही नहीं करेगा तो जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ इंक्रीज नहीं होगी इसी तरह नंबर टू पे जो फैक्टर्स आते हैं वो कुछ डिजीज़ेस होती हैं जिनको जिनकी वजह से बच्चा कुछ डेफिशिएंसीज़ होती हैं जिसकी वजह से बच्चा ग्रो नहीं करता तो उसके लिए फिर आपको कंसल्ट करना होता है ताकि बच्चा उसी टाइम उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर कोई भी सपोज़ जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये दो मैं इसलिए कह रही हूँ कॉमनली क्योंकि इनकी वजह से ग्रोथ uh, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और अगर इनको दे दिया जाए एट द टाइम लेट ना किया जाए तो दोनों फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ दोनों इससे बहुत बहुत इंक्रीज़ करती हैं अच्छा अब फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रोथ से रिलेटेड ही कि जी हमारा बच्चा खाता नहीं है हम और या खाता भी है तो हमें पता नहीं है कि हम इसको कौन सी फूड कितनी और किस एज पे हम उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे सिक्स मंथ्स तक तो फ़ीड उनका हो रहा होता है मिल्क इनटेक उनके लिए सफिशिएंट होता है जो उनकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर रहा होता है और यहाँ पर मैं एक चीज़ और डिस्कस करती चली जाऊँ प्लीज़ प्लीज़ जब बच्चा सिक्स मंथ्स तक की एज का होता है तो उसे कोई और चीज़ नहीं चाहिए होती मिल्क के अलावा क्योंकि बहुत से लोग आते हैं जी हम इसको हनी दे रहे होते हैं हम इसको जी कैवा दे रहे होते हैं ये मिथ्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत बहुत बिग मिस ब्लेंडर से हमने सिक्स मंथ्स तक बच्चे के लिए मिल्क सफिशेंट होता है इवन बहुत सी माओ का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम पानी दे सकते हैं बच्चों को पिला सकते हैं तो देखें पानी भी आपको उतनी हद तक रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि मिल्क उसको सब कुछ अगर मदर फीड पर है अगर इन दैट केस बहुत फीड्स पर भी है तो वो आपको सफिशेंट होती हैं दूसरी चीज़ आपने उसको सॉलिड फूड कब इंट्रोड्यूस करानी है वीनिंग कब इंट्रोड्यूस करानी है क्योंकि कुछ माओं को तो पता ही नहीं होता बच्चे साल साल के हो जाते हैं और जी वो मिल्क पे होते हैं तो इस तरह छः महीने के बाद बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और वो रिक्वायरमेंट मिल्क प्लस फूड दोनों ने पूरी करनी होती है अब आप फूड इंट्रोड्यूस कैसे कराएं जैसे ही आपका बच्चा उस एज पे आता है जिस पे वीनिंग स्टार्ट कराई जाती है तो एक कोई भी आप सेलेक्ट कर लें जो भी सेमी लिक्विड कोई दूध से बनी हुई चीज़ जैसे कि मसलन कस्टर्ड खीर कोई दलिया आप बनाना चाहते हैं कोई एक चीज़ आप सेलेक्ट करें उसको आप फोर टू फाइव डेज बच्चे को दें अब उससे ये होगा कि एक तो बच्चा क्योंकि नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है तो बच्चे को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प होगा और नंबर दूसरी चीज़ आप जब ऐड करो ना तो थोड़ा सा गैप लेके ऐड करो उससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ मेरे बच्चे को सूट करती है इस चीज़ से मेरे बच्चे को एलर्जी है और तीसरा चीज़ बच्चा भी ओवरबर्डन नहीं होता और उससे जैसे अगर एक दिन में बच्चे को कुछ माएँ तीन चार चीज़ें इकट्ठी दे, दे देती हैं और उससे डायरिया डायरिया के साथ भी वो बच्चा प्रजेंट करता है तो उससे भी ये बच्चा सेव हो जाता है आपका ये एक सेव मार्जिन पर है अब बड़े बच्चों की फूड का अब अगर हम बात करें तो बड़े बच्चों के फूड के लिए ये है कि सब कुछ देना वैसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या दे तो इसमें क्या में कोई ऑप्शन नहीं होती आपने अपने बच्चे को सब कुछ देना है मैं उनको एक वर्ड कहती होती हूँ कि जो आप खाते हो आपने वो सब कुछ देना है अब उसकी रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें हैं क्योंकि अब उसको फ्रूट्स भी चाहिए उसे वेजिटेबल्स भी चाहिए उसे दालें भी चाहिए उसे रोटी और उसे चावल ये वो चीज़ें हैं जो वेट गेन कराते हैं कार्बोहाइड्रेट क्योंकि हमारी बॉडी का 65 परसेंट पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट है तो आपने उसको पूरा करना है और पता है जब ये डाइट एक बैलेंस ट आप दे रहे होते रहे तो बहुत सी डिजीजे वैसे ही बच्चे का जो बच्चा उससे बच जाता है जैसे मोस्ट कॉमनली जो क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में एक चीज़ हमने देखने को मिली है कि बच्चा कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं और वो क्यों होती है जब बच्चे को प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रही होती स्पेशली रोटी और चावल नहीं मिल रहे होते रोटी चावल पर मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ कि हमें शायद बहुत सा कॉन्सेप्ट एक पाया जाता है कि बाकी सब चीज़ें दे देनी है रोटी अभी बच्चे को नहीं करानी रोटी बच्चा च्यू नहीं कर सकता तो देखें जब अगर आप आदत नहीं डालेंगे ना, ना छोटे होते हुए हो बच्चे को तो वो आदत फिर बड़े होके भी बच्चे को नहीं डालती हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर और डिस्कस करूँ कि कुछ बच्चे खाते नहीं हैं भूख नहीं लगती या कुछ बच्चे चूजी होते हैं कि कुछ चीज़ें खा ली कुछ नहीं खा ली तो देखें इस इस सिचुएशन में आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से हेल्प ले सकते हैं क्योंकि सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई प्रॉब्लम बच्चे की बॉडी में चल रहा होता है कोई चेंजेस आ रहे होते हैं तो वो डॉक्टर एक दफ़ा तो उसको देख ले अगर कोई टेस्ट की ज़रूरत होती है वो आपको प्रिस्क्राइब कर देता है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बास बच्चों में कुछ भी नहीं हो रहा होता सिर्फ उनका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हुआ होता है मेटाबॉलिज्म क्या है जैसे कुछ बच्चों में एक्टिविटी कम होती है एक्टिविटी कम होने की वजह से उनका मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है और उससे भूख नहीं लगती तो सिंपल थोड़ा सा वो एपिटाइज़र इंट्रोड्यूस करने से उनका मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज़ कर जाता है और वो अपना फ़ूड इनटेक लेना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि फ़ूड इनटेक बहुत ज़रूरी है ये फूड इंटेक ही सारी विटामिन डेफिशिएंसी से बचाएगा बच्चे का वेट गेन कराएगा बच्चे की हाइट गेन कराएगा और बच्चे को मेंटली ग्रो कराएगा